मनरेगा मजदूरी कैले रही तब कहली तब प्रधान कहा कि चला पैसा लगा देब मगर प्रधान ना लगो ना अभी तक पैसा हमारा ना लगे। कितना दिन की थी? वो 20 दिन समझल जा रोडे पर 8 दिन करिया खेते में लगल है और दर भवानीपुर में 17 दिन कैले रही एको पैसा हम लोग का मजदूरी ना आयल 50 दिना कुल पैसा रुकल हाँ तो बतावा कि हमने का तक कुल त्यौहार बिगड़ जाता बतावा हमने का करी अब एक हमने के कौनो बहन जी अकील बतावा कि कैसे पैसा हमने का निकली। हमने बहुत परेशान हो गई बिलाग पर गईली कार सेवक केहन गईली प्रधान केहन गईली के हमने का समस्या हल ना कैली। इनसे ले लेके हम अपन काम चलौली इंसेंस से लेके अपन दर दवाई कैली भैया बहनी सबसे मंगली प्रधान के घरे भी आके कली रोली अपन गिर गई अपन दुख सुनोली तब भी ना सुन इन सभी लोगों से जो है इनके खाते जाप कार्ड संख्या और आधार कार्ड वगैरह ले करके ये हम डीसी सर को भेज दिए हैं वहाँ से संभवतः लखनऊ को भेज दिए होंगे। जैसे ही वहाँ से इनका जो है रिजेक्ट करेंगे तो फिर जो है हम फिर से अपील कर देंगे। 5 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी। वीडियो बनाने के बाद हम लोगों ने गांव को एकजुट एवं संगठित कर उनके साथ मीटिंग की। फिर उसके बाद हम लोगों ने रोजगार सेवक के पास गई। उन्होंने कहा नहीं इन लोगों के पैसे तो पड़ गए हैं मिल गए हैं ये लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर हमने ग्राम प्रधान के पास गई। ग्राम प्रधान से भी हमारी समस्या हल ना हुई तो हम सीधे वीडियो के पास गए अपने समुदाय को लेकर। वीडियो साहब ने लिखित मांगा और उसके बाद 15 दिन के अंदर इनकी मजदूरी का भुगतान हो गया। बहन जी आई एक तो हम लोग से कहने लगी तो हम लोग कहे ठीक हम लोग का पैसा नहीं मिल रहा है हम आप लोग आपके पास चलेंगे जहाँ जहाँ आप कहेंगे तहाँ तहाँ हम लोग चलेंगे आपके साथ। तो हम लोग के संगे बहुत मेहनत की हम लोग को अकाउंट में ले गई पैसा देख चेक कराई पैसा मतलब अकाउंट में थोड़ा बहुत था और थोड़ा बहुत निकाले हम लोग अपने काम भर और छोड़ दिए उसमें। और मैडम जी हम लोग के साथ बहुत मेहरबानी की हम लोग के साथ बहुत दौड़ी धूपी हम लोग का पैसा आ गया है। अब आप लोगों को कैसा लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है खुशी हो रही है कि हम लोग को इतना एक साल का पुराना पैसा मिल गया अच्छा खुशी हो रहा है कि हम लोग अपना से कुछ वो पैसा से कुछ लाभ ले सकते हैं कुछ कर सकते हैं। मैं अपने और अपने समुदाय की तरफ से वीडियो साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिनके माध्यम से ये बदलाव हो पाया है। मैं शबनम वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।